कोशिश करेंगे कि कहीं माने वैसे जगह पे। अब तो हम ये प्लान हम कर रहे हैं कि पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पे हम अपने आप को पहले सेटल कर रहे हैं कि अब पैसा दे करके हम क्यों कितना। क्लेम लग गया इसलिए नहीं देंगे या नहीं फिर नहीं मैटर ही नहीं है, मैटर ये है कि वो अगर चाहते तो हमारे पास आराम से पहुंच सकते थे ना, पटना कोई दूर नहीं था। ना कहे कि कंस मामा आ गए, ऐसा भी तो सवाल उठ सकता है कि यही है वही कंस मामा आ गया। क्योंकि लोग कहते हैं, देखिए आप कृष्ण को मानते हैं और लोग बताते हैं कि कृष्ण यदुवंशी थे, तो कंस को पंडित क्यों, पंडित कंस भी कंस भी यदुवंशी यदुवंशी था, अद्भुत सच्चाई है, क्योंकि कृष्ण का सगा मामा थे। तो आप मामा बन के जाए तो ऐसा था कि कंस के वेश में पहुंचे चलिए, कंस कहने वाला भी अपना ही वंश है, वो वंश कोई दूसरा के नहीं है। कहा तो कम से कम कंस कह के खुश तो हुआ वो, हमें उसके चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, क्योंकि अभी 3-4 महीना पहले उनके पिताजी की जिस प्रकार से देहांत हुई है, हत्या की गई, तो कम से कम ये लगा कि 25,000 के बात में चेक बाउंस हुआ। उसके बाद इस धरती पे कोई नहीं है, मैं हूँ जब तक हम हैं। हाँ, चेक बाउंस हो सकता है, संतोष यादव नहीं, अकाउंट उड़ सकता है। संतोष यादव नहीं, हाँ, बोले थे उस पत्रकार को, हमको याद आ गया। जानते हैं भाट क्यों बोले थे? ये चलते बड़ी चिल्लाता है, आप कितना बढ़िया से बात कर रहे हैं, इसमें चिल्लाने की कौन सी बात, मैंने चिल्लाएगा ऐसे करके बोलता है वो। अरे पगला, अरे ठीक से तो बोल, अरे पत्रकारिता कर रहे हो यार, पत्रकारिता की गरिमा होती है। वो 1.5 इंच जीभ निकाल देता है बोलते बोलते, कुत्ता नहीं है। अरे कुत्ता नहीं हुआ, इंसान ना हो जी, है कुत्ता के बन के पत्रकारिता करोगे? तो यही चीजें हैं, इसीलिए हम उसको भाट बोले, अरे भाटा वा, अरे भाटा वा, इसीलिए हम बोल रहे थे। वो भी अच्छा नहीं समझ रहा, हम बोल रहे हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं। अरे मैं वो कलाकार हूँ जिसके वजह से तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी बहन के तन पे वस्त्र चढ़ता है, मैं वो कलाकार हूँ जिसके वजह से तुम्हारे घर में चूल्हा जलता है, ठीक है? लोग कहते हैं कि पत्रकारों की जिंदगी बड़ी अजीब है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ कलाकार भी ऐसे हैं कि कहीं पत्रकार पर क्लेम लगाते हैं तो कलाकार पर क्लेम लगाता है। ये बिहार में एक अलग हो गया है, कोई लोग कहते हैं कि पत्रकार इस तरह कदर बढ़ गए हैं कि हम जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। आज हमारे बीच में फिर हैं संतोष रेणु यादव, गजब इनकी लीला आप लोग जानते हैं। कल एक वीडियो मैंने देखा जिसमें किसी, लोग कहते हैं कि लोग मरने के बाद भी मजाक कर लेते हैं, कितनी सच्चाई है जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, जैसे भी होती है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसमें हुआ कि आपने 25,000 का दे दिया और कुछ पत्रकार आपको कॉल करते हैं, हैसियत की बात हो जाती है कि आपकी ये हैसियत नहीं है कि, और जब मैं देखता हूँ आप दहाड़ते रहते हैं, कितना सच्चाई है सर जो आप पे क्लेम लगा है, कहाँ तक सच्चाई? देखिए, ये सच्चाई है कि जो चेक जो है बाउंस तो हुआ है, ये सच्चाई है। लेकिन बाउंस क्यों हुआ, इसके पीछे वजह ही सी बात है कि पैसा नहीं होगा अकाउंट में तभी बाउंस हुआ, है ना? इसका राज तो आप बताएंगे ना सच्चाई है कि सर। अब पैसा रहेगा अकाउंट में तो बाउंस क्यों होगा, पैसा नहीं होगा तो बाउंस हो गया। अब पैसा क्यों नहीं उसमें था, इस पे मैटर आया जाए। जी भैया सर, अब मान लीजिए कि आज की डेट में अभी आपसे रूबरू होने के बाद अभी आपको भी पता है कि मैं बेगूसराय निकल रहा हूँ, जी भैया है वहाँ पे एक हत्या हो गई, तो उसमें अब मान लीजिए किन्हीं का चेक डाला हुआ होगा आज के डेट में, और उसी अकाउंट से मुझे सारे सोशल वर्क करने हैं। सोशल वर्क करने का जो अकाउंट है मेरा एक ही है, और जो मेरे जो घर परिवार चलते हैं उसका अकाउंट अलग है ना? तो सोशल वर्क जो चलता है, तो सोशल वर्क का जो अकाउंट है उसी अकाउंट से चेक भी काटा गया। हम आज बेगूसराय निकलेंगे तो उसी अकाउंट से तेल भी डलाएगा। हो सकता है जिनका आज का चेक दिया हुआ होगा उसी पैसा में से गाड़ी में तेल डला गया, हम किसी के दुख में उनके घर पहुंच गए सांत्वना देने के लिए, दुख बांटने के लिए, और इस दौरान चेक बाउंस हो गया। तो बाउंस हो गया तब जो हो हल्ला कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि भाई कुछ अकाउंट में डाल दें, वो सामाजिक सेवा का अकाउंट है।
वो हल्ला इतना करने की क्या जरूरत है भाई, क्लियर है ना कि भाई पैसा नहीं होगा तभी ना बाउंस हुआ। यहाँ तक कि फोन आप नहीं रिसीव करते हैं, कहते हैं कि कैश मैं भेजवा दूंगा, कैश भी नहीं भेजवाते हैं। मैं सारा आपको एविडेंस में देता हूँ, संतोष रेणु एविडेंस के साथ बात करता है। कॉल पे आपको मतलब बताया जाता है उसका भी थोड़ा सा, मैं टोटल चीज में आपको एविडेंस के साथ में चलता हूँ। फोन नहीं रिसीव करना या क्या करना, ये देखिए ये आज ये सब सारा चीज आज का है, इतना कॉल अभी देखते जाइए, ये देखते जाइए सुबह से लेकर के, देखिए सुबह से लेकर के इतना कॉल जो है ये आज का कॉल है ना जी, यहाँ से कल का कॉल स्टार्ट होता है। ये तमाम चीजें अब अभी देखिए आपसे बात करें तभी एक व्यक्ति का कॉल आया, मैं उनको कॉल काट दिया, हो सकता है कल होकर के वो भी कहेंगे कि हमारा भी कॉल काट दे रहे हैं, लेकिन क्यों काट रहे हैं ये तो नहीं समझेंगे। अब देखिए अब कहाँ ये अननोन नंबर से कॉल आया था, मैंने कितना दिखाया, अननोन नंबर से जो कॉल जो आया था तो भाई अब उसमें क्या कर सकते हैं, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उस समय। एक चीज़ मुझे और पता चला जो कि मुझे तकलीफ हुआ, हालांकि ये चीज़ मैंने कहीं पे डाला नहीं, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ आपके चैनल पे, ये जानना ज़रूरी है, लोगों को सुनना ज़रूरी है हमारे समझ से। ये वहीं के हैं, योगेंद्र यादव जी हैं सिमुलतला के ही, और जिस दिन हम गए थे, एक सेकंड थोड़ा सा, हरे बाबू बोलिए तो लगातार जैसे हमारा जो वर्क जो होता है, हम अपना वर्क करते रहते हैं। अब इस चीज पे हमको ये भी नहीं पता होता है कि अकाउंट में कितना पैसा है नहीं है, क्योंकि हाँ हमारी जो ताकत होती है, हमारी जो भी ताकत होती है उस ताकत को अपने अकाउंट में डाल देता हूँ, चेक काट दिया, बहुत सारा चेक पास भी हुआ। एक चीज़ मैं और आपको दिखा देता हूँ, जब बात जब ये आ गए हरनौत रंजीत जी है ना, ये रंजीत जी कौन है, ये सोनू कुमार जो बच्चा जो वायरल जो हुए थे उनके चचा हैं ये। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, हाँ देखिए ये कितना तारीख को है, 25 मई 2022। किन के नाम पे मैंने दिया है पैसा, सोनू कुमार के नाम पे, कैनरा बैंक का अकाउंट है, अकाउंट के लास्ट में है 9457, कैनरा बैंक सोनू कुमार 21,000 रुपया है ना दिया हुआ है। और इसके साथ साथ और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डोनेशन फॉर एजुकेशन बाय संतोष रेणु यादव जी, बिल्कुल लिखा हुआ है। ट्रांजेक्शन आईडी भी है, हर चीज है, ट्रांजेक्शन आईडी है हर चीज। अब क्या है कि अब देखिए मैंने लिखा क्या, मैंने इसमें बैठ जाइए मैम, मैंने लिखा क्या इसमें, चेक फाड़ दीजिएगा, मैंने डायरेक्ट 21,000 सोनू के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है जी, बिल्कुल। वहां पे चेक इन्होंने डाला नहीं, चेक को डिपॉजिट नहीं किया इन्होंने। हम जब बैठे तो हमको लगा कि चेक बचा डालेगा क्या, परेशान होगा, लाइए भाई डायरेक्टे हम भेज देते हैं, डायरेक्टे मैंने भेज दिया। उसके बाद उनका मैसेज आया वेरी गुड। तो अब ये जो हम देखे कि भाई चेक बाउंस हो गया, उस पर इतना सारा हो हल्ला, चलिए कम से कम सजग तो है वो पत्रकार सजग तो है कि चेक बाउंस हो गया तो इतना कम से कम चिल्ला तो रहे हैं, इस बात के लिए उनको धन्यवाद। नहीं ठीक है, जिस तरह से अगर देखा जाए तो सोनू जिंदा था, लेकिन यहाँ मौत, लोग कहते हैं कि मौत पे भी लोग नाच नाचते हैं, ऐसा हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से दिखा रहे हैं सभी लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। वहाँ तो सीधा दिख रहा है कि मौत के नाम पर, उस लड़की भी कह रही है कि ना पता क्या नाम आपका, भेणु किसेणु जो भी जैसे दे रही है, अब कितना हकीकत है सर या तो आप जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ कि जब आप मैं आता हूँ आप सेवा करते हैं, सच्चाई है, ठीक है, अक्सर ये समाज है सर, समाज में होता है क्या है कि आप 10 काम करेंगे, 1 काम अगर गलत हो गया तो 9 काम को लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। देखिए वो बच्ची हमारे लिए हमेशा प्यारी है,
मेरी बेटी के समान है, भगनी के समान है, और वो क्या नाम देती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिस रास्ते पे चला हूँ वो बच्ची मुझे पता है कि जब वो थोड़ी सी होश जब संभालेगी और इन्हीं शब्दों को जब सुनेगी तो मुझे पता है कि उसे अपने संस्कार याद आएंगे और उन्हें अपने किए गए कार्यों पे और उनके दिए गए शब्दों पे उन्हें तकलीफ होगा, ये मैं जानता हूँ। चलिए इसको आप मान लिए कि मतलब गलती स्वीकार है कि नहीं, चेक बाउंस हो गया। हम तो बोल ही रहे हैं कि भाई चेक बाउंस हुआ तो काहे बाउंस हुआ, ये भी मैटर करना चाहिए ना, पैसा नहीं होगा जी। लेकिन जिस तरह से अगर पत्रकार आपको फोन करता है उस समय आप कहते हैं, बात करते हैं जब पत्रकार से, तो पत्रकार यही कहते हैं कि गाड़ी आपकी खराब हो जाती है तो इस तरह से है, क्या है मैं देख रहा हूँ इधर, अगर देखा जाए तो बहुत बड़े फ्लैट में भी रहते हैं, कम से कम इसका 15-20 हज़ार शायद देते होंगे, इससे कम नहीं देते होंगे, अब कहाँ से देते हैं मैं नहीं जानता। दूसरी चीज, फोर व्हीलर चलते होंगे तो अगर एक दिन का अगर देखा जाए तो 5,000 फोर व्हीलर का रख लीजिए, फिर भी ऐसा क्लेम क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ। हो सकता है पत्रकार महोदय जो होंगे उनके घर से पैसा आता होगा, हो सकता है। अबू जब जानते हैं कि भाई गाड़ी हमारा 2-2 महीना का तो जामे रह गया, गैरेज में पड़ा हुआ रह गया, तो हमारे पास अब दूसरा गाड़ी भी तो नहीं है कि जिससे हम कहीं अनून गए हैं, गाड़ी तो हमारे पास वही है। तो अब पत्रकार महोदय मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही जानते हैं, बहुत ज़्यादा, तो हमको लगता है कि उनके घर मेरा आना जाना होगा, पत्रकार महोदय के घर हम आया जाया करते होंगे चुपके से, ये बात आप कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है क्योंकि अब भाई इतना मेरे बारे में जान रहे हैं वो। खैर, मेरी शुभकामनाएं, और उन्होंने औकात की बात की तो औकात तो किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, हार देंगे, चीर देंगे, हमारी औकात यही है कि वहां पहुंच करके 2 रुपया खर्च करते हैं, और उनकी औकात यही है कि वो मेरे नाम पे चिल्ला करके 2 पैसा कमाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हमेशा लोग का बताते हैं, वही लोग कहते हैं संतोष रेणु वही जाता है जहाँ TRP मिलती है और कहीं नहीं पहुंचता है, क्या सच्चाई है, सच्चाई क्या है? ऐसे संतोष रेणु वही जाता है जहाँ TRP मिलती है, मैटर ये नहीं है, संतोष रेणु जहाँ पहुंच जाता है वहाँ TRP मिल जाता है, मैटर ये है। कैसे साबित कर देंगे? अब जो क्लेम भी वैसे लगा, और हकीकत अगर देखा जाए तो लोग कहने, आप देखिए, आपको बताया जी, मैं बिल्कुल मैं साबित करूंगा जी। आप शिवहर का मैटर ले लीजिए, शिवहर में सुबोध राय की हत्या हुई, तमाम वहीं पे, तो जो कच्छप ग्रुप जो है उसका घर तो उधर ना है, उसको पहुंचना चाहिए था ना, उसके बिल्कुल घर के 15-20 किलोमीटर की दूरी की बात है, वहां पे पहुंचे मैटर को मैंने देखा, मीडिया में रखा, कुछ पत्रकार बंधु भी गए हुए थे। तो अब वहाँ पहुँचते पहुँचते 2-3 बार मैंने पहुँचा, स्थिति ये आ गई, लोग वहाँ पे इतने जाग गए कि फाइनली एक होता है ना जन आंदोलन टाइप का माहौल बन गया। फाइनली अभी डिप्टी CM जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये भी वहां पे गए थे, पप्पू यादव जी भी वहां पे गए थे। तो ये जो कहता है लोग कि संतोष रेणु वहां जाता है जहां TRP बन जाता है, बोलता तो सही है लेकिन शब्दवा इधर उधर कर देता है। संतोष रेणु जहां पहुंचता है ना वहां TRP बन जाता है, ये सच्चाई है। क्यों बन जाता है? क्योंकि संतोष रेणु हृदय से साफ है, संतोष रेणु गरीब का बेटा है, और संतोष रेणु भावनाओं को समझता है। हमें क्या जरूरत थी सर, जिस दिन हम गए थे सिमुलतला, जिस वजह से आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सिमुलतला जिस दिन हम गए थे, मात्र 40-45 किलोमीटर जब चले थे तो मेरे गाड़ी के AC का कंडेंसर जो था उसमें गिट्टी लगा चलते हुए और फूट गया, AC बंद हो गया गाड़ी का, वो गर्मी, और उस गर्मी में हमारे ड्राइवर और हमारे बाउंसर ने हमें यहाँ तक कहा कि सर कल चलेंगे, सर पहले AC बनवा लिया जाए। अब मैंने उनको समझाया, मैंने उनको तमाम तरह की चीज़ समझाया कि बताइए आपको सफारी इतना लग्जरियस गाड़ी में है, सिर्फ AC नहीं है तब आपको दिक्कत हो रहा है। लालू प्रसाद यादव जी पहले जो चलते थे तो सफारी तो नहीं होता था उनके लिए, कमांडर में चलते थे, पैदलों चलते थे,
तो उनको कितना कष्ट होता होगा। तो इस चीज को तमाम तरह की बात करते हुए उनको मैंने तैयार किया। वहां जब गया तो क्या कोई तेल का पैसा दिया था क्या हमको? वहां जब गए तो बीच रास्ते में जो लोग नाश्ता पानी किए क्या उसका भी पैसा कोई दिया था क्या? कोई नहीं दिया था सर। उसके बाद जब वापस लौट करके आए, तो वापस जब लौट करके आए सर, तो सच्चाई था कि मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं गाड़ी का फूल में काम करवा पाता। ये मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर पवन जी, डॉक्टर पवन जी ने हमें 30,000 रुपया दिया, जबकि वो भी हमको कहते रहते हैं कहा इतना समाज सेवा में जाते हैं। उन्होंने हमको 30,000 रुपया दिया और 30,000 रुपया मैं अपने पिताजी से मांगा और तब जा करके मैंने गाड़ी का काम करवाया। तो हमको लोग सिखाएंगे कहीं ना कहीं। देखिए दूध का दूध पानी का पानी अक्सर लोग खोजते रहते हैं कि कब हो जाएगा, तो आज समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं सबके अंदर कमियां होती है। अगर देखा जाए तो एक दिखावा करना, एक लोग देते हैं तो दिखावा भी करते हैं कि मैं दे, लेकिन आप कहीं देते हैं तो दिखावा भी नहीं करते हैं, फिर भी लोग क्लेम लगा देते हैं। कोई बात नहीं, खुश है ना। एक चीज हमको, हम देख रहे थे उस वीडियो में, बच्ची बहुत हंस रही थी, जो बच्ची थी हमको ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि चलिए मेरे उपहास में ही उसको खुशी तो मिला ना। हमको खुशी चाहिए। संतोष रेणु के वजह से लोग रोए नहीं, संतोष रेणु का उपहास करके आप खुश रहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। उस बच्ची को मेरी तरफ से बहुत सारी आशीर्वाद है। और बच्ची ने हमें कहा कि जैसे यहाँ के लिए कि गोपालगंज या कहीं पढ़ने के लिए जा रही है बच्ची, तो हम उस बच्ची को हम चाहेंगे, मैं मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं और खूब आगे बढ़े बच्ची। देखिए एक चीज हमको, हमको जो था, देखिए देखिए हमको ये कब की बात है, ये 29 सितंबर को हमको, 28 सितंबर को उन्होंने कहा, एक आशा है उनके, ये कौन, सुधीर कुमार, सुधीर यादव से मुलताला, ये चचा है शायद उस बच्ची के, उन्होंने कहा कि आशा है कि परिवार को जो कुछ आएगा वो जिंदगी जीने में कुछ सहयोग हो जाएगा उसी 25,000 रुपये के लिए। तो हमने लिखा कि बिल्कुल बिल्कुल, और हमने लिखा कि बिल्कुल बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे भी जो संभव हो सकेगा करते रहेंगे। ठीक है, कब मैंने कहा, ये 29 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद बोले कि जी भैया धन्यवाद। उसके बाद 16 अक्टूबर को आता है कि भैया एक हफ्ता से ज़्यादा गुजर चुका, गोकुल यादव के परिवार को पैसा भेज दीजिएगा या अभी नहीं, भैया एक बार क्लियर कर दीजिए, बार बार हम लोगों से पूछता है, ये बात उन्होंने कहा। अब क्या हुआ कि उस दौरान हम फिर निकल गए थे, दिल्ली निकल गए थे, दिल्ली हमारे यदुवंशी सेना के एक पदाधिकारी हैं जिनकी तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद हम उनको लेकर दिल्ली निकल गए, उसमें व्यस्त हो गए। फिर मंत्री जी जैसे उनके आदेश पे हम फिर दिल्ली निकल गए, वृंदावन निकलना था। उसके बाद मेरी खुद की दादी सास का देहांत हो गया था, आप अभी आप सर्टिफिकेटों देख रहे हैं ये सब, तो इतनी सारी चीज़ों में हम व्यस्त हो गए। और हम चूँकि हमको खुद वहाँ पे जाना था, उस बच्ची से हमको खुद मिलना था, लेकिन हमको क्या पता है कि बच्ची भाई इतनी लंबी लंबी बात करेगी। चलिए अंत में हम यही सवाल करेंगे सर कि क्या होगा, अब 25,000 आप उनको देंगे या नहीं देंगे? जिस तरह से क्लेम भी अब तो लग गया, बच्ची को अगर कर लिया चलिए उसको बच्ची, लेकिन कुछ लोग क्लेम भी लग गया, पूरा पब्लिक भी बात को जान गए कि नहीं संतोष रेणु यादव गंदा व्यक्ति है, तो क्या करेंगे आप, कैसे साबित करेंगे? देखिए गंदा व्यक्ति अपने पास से पैसा दे करके उस इंसान को गंदा करे वो अच्छा है। तो अब ये जो 25,000 रुपया जो है, हम कोशिश करेंगे कि कहीं मैंने वैसे जगह पे, अब तो हम ये प्लान हम कर रहे हैं कि पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पे हम पहले हम अपने आप को पहले सेटल कर रहे हैं कि चूंकि इस तरह की चीज़ें भाई अप एंड डाउन तो होते रहेगा, हम कोनो जमींदार के बाल बच्चा तो है नहीं, है ना, हमको ऐसा भी नहीं है। हाँ हमारे जीवन में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 80,000 का योगदान दिया है, 80,000 रुपये उन्होंने हमें मदद किया है, और एक व्यक्ति हैं जो 45,000 रुपये का मदद किए हैं, और बहुत बहुत बार एक व्यक्ति का आपको हम दिखा देते हैं, ये इतना राप साहब नहीं, ठीक है सर, लेकिन क्या करेंगे 25,000 का आप जो क्लेम लगाए, आप देंगे या नहीं देंगे, यस या नो? हमें नहीं लगता है कि पॉसिबल होना चाहिए, अब नहीं देंगे। अब मैंने अब बताइए ना, जो अब पैसा देकर के हम क्यों, क्लेम लग गया इसलिए नहीं देंगे, नहीं, या फिर नहीं, मैटर ही नहीं है,
मैटर यह है कि वो अगर चाहते तो हमारे पास आराम से पहुंच सकते थे ना, पटना कोई दूर नहीं था, कोई दूर नहीं था पटना। दूसरी चीज़ है कि अगर वो चाहते तो इतना मीडियाबाजी की कोई ज़रूरत नहीं था। और दूसरी चीज़, सबसे जो अहम चीज़ इसमें, कि उस पत्रकार बंधु ने हम बातचीत के दौरान कहा कि हम इसको 1,00,000 रुपया देंगे, तो हमको लगता है कि भाई 25,000 के चक्कर में 75,000 प्लस हो गया, 1,00,000 मिलेगा तो 25,000 की क्या ज़रूरत है। और ऐसे भी उस बच्ची से हम बहुत प्रभावित हैं, बच्ची ने जो मुस्कुराते हुए जो बातें कही है वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा ज़िंदगी में आप खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। हाँ, एक चीज़ है, जब इस दुनिया में सब कुछ छोड़ देगा ना, तो तुमने मुझे कहा ना कि कौन कौन नाम, तो उसी नाम के सहारे, लेकिन तुम्हारा मामा बन करके तुम्हारे साथ जरूर आऊँगा। जब दुनिया में सब छोड़ देगा तब, ऐसा ना कहे कि कंस मामा आ गए, ऐसा भी तो सवाल उठ सकता है, यही है वही कंस मामा आ गया। क्योंकि लोग कहते हैं, देखिए आप कृष्ण को मानते हैं और लोग बताते हैं कि कृष्ण यदुवंशी थे, तो कंस को पंडित क्यों, पंडित कंस भी यदुवंशी था, सच्चाई है, क्योंकि कृष्ण का सगा मामा थे। तो आप मामा बन के जाए तो ऐसा था कि कंस के वेश में पहुंचे। चलिए, कंस कहने वाला भी अपना ही वंश है, वो वंश कोई दूसरा के नहीं है। कहा तो कम से कम कंस कह के खुश तो हुआ वो, हमें उसके चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, क्योंकि अभी 3-4 महीना पहले उनके पिताजी की जिस प्रकार से देहांत हुई है, हत्या की गई, तो कम से कम ये लगा कि 25,000 के बात में चेक बाउंस हुआ, उसके बाद में कम से कम उस परिवार के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई, उस बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। मैंने वो लोग कम से कम भुला तो गए ना सब सारा चीज़, कुछ पल के लिए भुला गए, सिर्फ 25,000 चेक। तो बस फाइनली मैं यही कहूँगा कि जीवन में जब आगे जब बढ़ता है ना लोग, जब कदम आप आगे निकालते हैं, तो आगे जब कदम निकालते हैं तो बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं आगे बढ़ना ज़रूरी है, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे आगे बढ़ रहे हैं उसमें कोई चुट्टी दब जा रहा है, कोई मकड़ी दब जा रहा है। तो लोग बोलेंगे कि धान काटिए, खाना खिलाइए, तो खाना भी खिलाएंगे तो उसके लिए धान को काटना पड़ेगा ना, सब्जी तोड़ना पड़ेगा ना, तो सब्जी भी तो सजीव है। तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें होती है। तो बाकी क्या कहिएगा, बस यही चीज़ कि हमारा जो कार्य है, हमारा कार्य जारी रहेगा। हाँ, पैसा रहेगा अकाउंट में तो चेक पास होगा, पैसा नहीं रहेगा तो बदनामी है सही, गाली है सही। तो फिर क्यों आप पैसा करते, जब पैसा नहीं है तो मत क्या करें? उम्मीद सेवा क्या करें? एक उम्मीद है ना, जब तक जीवित हैं, जब तक संतोष रेणु यादव इस धरती पर है, तब तक कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमारा इस धरती पे कोई नहीं है। मैं हूँ जब तक हम हैं। हाँ, चेक बाउंस हो सकता है, अकाउंट उड़ सकता है, हाँ गाड़ी खराब हो सकती है, एसी फट सकता है, संतोष रेणु यादव का मस्तिष्क नहीं उड़ सकता और हृदय कठोर नहीं हो सकता। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस तरह से लोग क्लेम लगा देते हैं, लेकिन किसी की कोई माँ के पेड़ से कातिल नहीं होता, उसका अतीत लोग नहीं देखते हैं, उसके अनंत तक नहीं जाते हैं। शायद संतोष रेणु यादव अपने आप कहीं ना कहीं, लोग क्लेम लगाया करते हैं, क्लेम सभी पे, हम पे भी लगता है, इन पे तमाम लोगों पे क्लेम लगता है, लेकिन क्लेम लगाने से पहले किसी पे हम अपने अंदर भी कोई बात नहीं। होता है क्या ना कि दिया के आसपास अंधेरा होता है ना, तो वही चीज़ है। और बस हम उस पत्रकार को हम भाट बोले थे, उस पत्रकार को हमको याद आ गया। जानते हैं भाट क्यों बोले थे? ये चलते बड़ी चिल्लाता है, आप कितना बढ़िया से बात कर रहे हैं, इसमें चिल्लाने की कौन सी बात, मैंने चिल्लाएगा ऐसे करके बोलता है वो, अरे पगला, अरे ठीक से तो बोल, अरे पत्रकारिता कर रहे हो यार, पत्रकारिता ये गरिमा होती है। वो 1.5 इंच जीव निकाल देता है बोलते बोलते, कुत्ता नहीं, अरे कुत्ता नहीं हुआ, इंसान ना हो जी, हैं कुत्ता के बन के पत्रकारिता करोगे? तो यही चीजें है, इसीलिए हम उसको भाट बोले, अरे भाटावा इसीलिए हम बोल रहे थे। वो भी नहीं समझ रहा, हम बोल रहे हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं, अरे कम से कम ड्राइविंग कर रहे हैं। इसीलिए तभी हम तुरंत हम लाइव आए, ताकि लोग को ये लगे, जैसे गुमराह करता है ना लोग को, तो
तो अब बताइए एक चीज, ये जो है अभी बेगूसराय में हत्या हुई, इसको वहां पे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन ठीक है नहीं जा रहे हो, तुम्हारी सोच है, हमारा जो कर्म है मैं अपना कर्म करता रहूंगा। ये हमको बोला कि ये एक कलाकार है जिसके अकाउंट में 25,000 नहीं है, मैं वो कलाकार हूं जिसके वजह से तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी बहन के तन पे वस्त्र चढ़ता है, मैं वो कलाकार हूं जिसके वजह से तुम्हारे घर में चूल्हा जलता है, ठीक है? जाकर के सच्चाई है, मैं सलाह दे रहा हूँ उसको, सच्चाई में दिखा रहा हूँ। अब देखिए ना, जाकर के व्यू देखिए ना उसका, हमको जो गाली दिया है उसका व्यू कवर के आया है। क्यों आया है? क्योंकि लोग बेइंतहा मोहब्बत जो करते हैं ना वो देखे, अरे ऐसे कैसे। तो एक ग्लास में आधा ग्लास पानी भरा हुआ है ना, तो हम बोले कि आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, लेकिन वही जो नेगेटिव माइंडेड होगा ना बोलेगा आधा ग्लास खाली है, उसको खाली नजर आता है हर जगह। तो कोई बात नहीं, संतोष रुनु यादव की कोई औकात नहीं है, इतना औकात है कि कोई भी आते हैं तो प्रेम से बात करते हैं, कोई भी आते हैं तो एक ग्लास पानी जरूर पूछते हैं। और हमें लगता है कि अब तक ऊपर वाले ने माधव की कृपा से इतना तो हुआ ही है कि जब भी आप आए हैं तब चाय बिना तो नहीं गए हैं। चलिए, तो अपना एक प्रेम है और कहीं ना कहीं होता रहता है, इसको लेके घबराना भी नहीं है। और मैं नहीं चाहूँगा या फिर आप किसी पत्रकार को चाहिए, हम भी कहें चाहे कोई कहे, लेकिन जहाँ तक अगर देखा जाए जो क्लेम लगाया जाता है इस बात से थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि समाज में आप भी हैं, समाज में हम भी हैं, हम भी उसी राह पे चल रहे हैं, आप भी उसी राह पे चल, लेकिन एक राह पे लोग कहते हैं ना कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ हो जाता है तब तक हम आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं तो हम फंसेंगे। हमको खुशी मिला एक चीज, वो चीज काम वो खुशी मिला है, कम से कम ये मैंने कुछ बोला तो लंबा लंबा बोल रहा था, लंबा लंबा बोल रहा था वो, ये संतोष रुनु यादव ऐसे ऐसे, हम कह रहे चल कम से कम चिल्ला तो रहा है ना, तू चिल्ला रहा है तो बढ़िया है, पत्रकारिता कीजिए, लेकिन पत्रकारिता आप करते हैं तो समाज के लोगों की उम्मीदें और समाज के लोगों की जो एक निगाहें जो होती है ना वो आपकी वीडियो पे टिक जाती है, तो पत्रकारिता करिए। हमको क्या है, ऐसा थोड़े है कि अभी हम बेगूसराय निकल रहे हैं हम नहीं निकलेंगे, कोई हमारा बरेरी निकलेगा यहाँ से, कोई हमको बरेरी बोलेगा कि हाँ जाइए बेगूसराय? सिमुलतला कोई हमको बरेरी बुला रहा था? हम वहाँ गए, 10,000 रुपये के आसपास खर्चा मेरा हुआ था, हम चाहते थे हम यहीं से वीडियो मार के टाइट करते, 10,000 रुपये हम अकाउंट में भेज देते, यहीं से वीडियो मार के स्क्रीनशॉट करके 10,000 रुपये मैंने दिया। वहाँ पे हम क्यों गए? इस वजह से गए कि ताकि वहाँ के परिवार अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें, वो समझें कि नहीं भाई पटना से भी आया मेरे लिए आया। सुख में तो सभी साथी होते हैं सर, लेकिन इसलिए सर 10,000 रुपये जो हम तेल में खर्चा किए चाहे मैंने आने जाने में, वो हम 5,000 रुपये खाली डाल देते ना अकाउंटवा में तो हमारा पूरा टनाटन हो जाता, और इसी पत्रकार को 500 रुपया दे देते तो पूरा गर्दा उड़ा के न्यूज बनता कि नहीं सर? जो जेन्युइन बात है सर, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैं दिन भर कष्ट में रहना पसंद किया, विदाउट एसी, एसी फूटने के बावजूद मैं वहां पहुंचना पसंद किया। ऐसे कहेंगे तो लोग कहेंगे जितेंद्र को पैसा दिया है इसलिए जितेंद्र नहीं संतोष की गया, इसलिए नहीं सच्चाई है। देखिए आज चुकी वीडियो आप भी जानते हैं, सभी लोग सबका वीडियो देखता सर, लेकिन मैं बता दूं आपसे तकलीफ होता है सर, मैं एक वीडियो आपसे किया था एक पत्रकार पे ही, तो तब से लोग खपा भी हो गए, तो खपा का हमें डर नहीं है, आज भी आपके सामने हूँ। रहा सवाल बिहार में, कई लोग कहें कि बिहार में अब आप तो बहुत बार हम जहाँ पे हमारी कमियां थी आपने उस पे भी कुठाराघात किया है, किया तो आप सच्चे पत्रकार है जी। हाँ देखिए चिल्ला के नहीं, प्यार से भी कुछ हो जाएगा, पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि हम चिल्ला के ही आपको साबित करें कि नहीं वाकई मतलब ये चीज है, ठीक है ना? तो सहनशीलता से काम किया जा सकता है, और जिस तरह से आपकी एक छवि है अलग छवि है, हम चाहेंगे कुछ छवि को बरकरार रखिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं सब आपकी सब, ठीक है सर आपकी सब स्नेह है प्यार है माधव की कृपा है। चलिए बड़ा अच्छा लगा, जिस तरह से आप देख रहे थे चेक बाउंस का हुआ खुलासा ये बता दिए, और होता है सबके साथ, मेरा भी होता है, और सभी लोग एक होता है ना कि देकर जितेंद्र वो भी एक चीज हमको देकर लोग वीडियो बनाने लगते हैं, आप वीडियो में नहीं देखा ये चीज़ चिल्लाने वाला लोग को जाना चाहिए ललित मोदी के पास, विजय माल्या के पास जाना चाहिए,
है ना, तो बैठे बैठे फोन लगा देते हम तक केकरो कर्जा ना बाउंस कही नहीं। हाँ, देश के पैसा ले लेके भाग गया है ये, का कहेगा पत्रकार जाकर के, वहां कुछ कहेगा ये? बिहार को सुधारना है पहले, पहले खुद को तो सुधारे। बिहारों से लोग लेके भाग गया है, बिहार से भी बहुत बहुत लोग भाग गया जी। हम तो दूसरा से पैसा ले ले करके, कर्जा ले ले करके हम पहुंचते हैं किन्हीं के दरवाजे पे। बेचारा वो लोग कहते रहते हैं भैया पैसा कब दे दीजिएगा, डाल दीजिए ना। हम कहते हैं अरे दे देंगे पैसा, आएगा दे देंगे। बहुत सारे मित्र हैं, कभी कभी वो गुस्से आ जाते हैं, वो भी फेसबुक पर कहते हैं फेसबुक पर डाल देंगे, हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, हमको डाल दीजिए आपको जाइए। तो है क्या कि पहले किसी भी इंसान के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं ना, उसके तह तक पहले पहुंचिए ना। आपने बिल्कुल सही कहा, तह तक पहुंचिए, उसके बाद ये सब कीजिए ना। पत्रकारिता कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, नेगेटिव मत कीजिए। सही कहा संतोष भी, अपने जगह पे सही है और लोग अपने जगह पे सही है। लेकिन हाँ, कोई भी कार्य करने से पहले हम में गलती, हमसे भी होती है गलती, इनसे भी, लेकिन गलती के साथ साथ किसी को इस तरह से ना हम लगा दें जिसकी गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।